देवभूमि प्रणाम। मैं अंजना ठाकुर हाजिर हूँ ताज़ा समाचारों के साथ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। इसरो ने रचा इतिहास, मिशन मून के लिए लॉन्च हुआ चंद्रयान 2। गुड़गांव में बदमाशों के हौसले बुलंद, बैंक के बाहर 9 लाख की लूट। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास, अम्बाला भी होगा आधुनिक सुविधाओं से लैस। सावन का पहला सोमवार, आज शाम को निकलेगी बाबा महाकाल की पहली सवारी। शिमला में लंबे समय तक खड़ी गाड़ियों पर पुलिस का चला चाबुक। हापुर दर्दनाक हादसा, 8 बच्चों सहित 9 की मौत। सीमेंट के दामों में लगी आग, मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से मांगा जवाब। अब फर्जी प्राइवेट स्कूल प्रबंधन के खिलाफ होगी FIR दर्ज। अब समाचार विस्तार से। इसरो ने रचा इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इतिहास रचते हुए चंद्रयान 2 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की, जिसको बाहुबली का नाम दिया गया है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य जनता को लाभ पहुंचाना है। साइबर सिटी गुरुग्राम में लूट का मामला सामने आया है। गुड़गांव में इंडियन बैंक के बाहर 9 लाख की लूट को अंजाम दिया। महीने भर में ये 7वीं वारदात है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अगले 3 साल में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की तरह नजर आएगा। PPP मोड के तहत कार्य शुरू कर दिया गया है, जहां एक ओर यात्रियों को मोबाइल ऐप के माध्यम से जनरल टिकट लेकर भीड़ से बचने के तरीके सिखाए जा रहे हैं, वहीं शताब्दी एक्सप्रेस में TTE द्वारा हैंड हेल्ड मशीन की जानकारी दी जा रही है। हापुड़ में दर्दनाक हादसा, 8 बच्चों सहित 9 की मौत। टक्कर इतनी भयानक थी कि पिकअप गाड़ी बीच से ही फट गई और गाड़ी में सवार लोग हाईवे पर बिखर गए। पुलिस ने घायलों को हापुड़ के नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां पर 8 बच्चों समेत 9 को मृतक घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट कर परिजनों को सांत्वना दी है। सावन का पहला सोमवार होने के कारण आज उज्जैन के महाकाल मंदिर में और सभी ज्योतिर्लिंगों में भक्तों का तांता लगा रहा। आज महाकाल मंदिर में पहला सोमवार होने के कारण भस्म आरती भी 1 घंटा पहले ही हो गई। सुबह 3 बजे अभिषेक और पूजन किया गया। पौंटा साहिब के बाद अब पहाड़ी क्षेत्र शिलाई में भी चोरियां होना शुरू हो गई हैं। मामला बीती रात का फोटा क्षेत्र का है, जहां पर रात के अंधेरे में चोरों ने SBI बैंक के ATM में चोरी को अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों ने जब सुबह ये घटना देखी तो तुरंत राजवन पुलिस वो बैंक के मैनेजर को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार सड़क के किनारे लंबे समय तक खड़ी गाड़ियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि बीते 2 दिनों से अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों को पुलिस ने जकयार्ड तक पहुंचाया है। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। देवभूमि प्रणाम।